हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं रास्तान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग के अंदर जो कंड्यूट लगा होता है, इलेक्ट्रिकल पाइप बिछे होते हैं, उसके अंदर से वायर को कैसे निकाला जाता है, किस कौन से स्प्रिंग वायर का यूज किया जाता है, या फिर स्टील वायर अच्छा होता है या स्प्रिंग वायर अच्छा होता है। लंबी दूरी के लिए जहाँ पर कंड्यूट की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें कौन सा सही रहता है, तो इसके लिए जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग में जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट डाले जाते हैं उसके अंदर आखिर वायर को कैसे डाला जाता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्प्रिंग वायर बोल सकते हैं आप। इस प्रकार के स्टील वायर का यूज किया जाता है, इसका सही नाम स्टील वायर होता है। ये एक पत्ती जैसा वायर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथ होती है यदि कंड्यूट की, तो उसमें भी यह आसानी से चला जाता है। यदि आप इसकी जगह स्प्रिंग वायर लेते हो तो वो कम दूरी के लिए होता है, यानी कि कम दूरी पर यदि आपके घर में अधिक बैंड लगा दिए गए हैं तो उसमें स्प्रिंग वायर का यूज़ होता है। लेकिन इस स्टील वायर का यूज़ वहाँ पर किया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबाई जिसमें सर्किट खींचते हो आप, MCB बॉक्स से 2-3 रूम छोड़ के आप 30 से 35 फुट से ऊपर की दूरी पर भी आप निकाल सकते हो। हालांकि ये 100 फीट तक भी काम करता है अच्छे से, ये वायर से ख़राब भी नहीं होता है। इस जगह आप स्प्रिंग वायर का यूज करते हो तो वायर उसके बांध कर आप नहीं खींच सकते, ये खींचते हो तो स्प्रिंग लंबा हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये जो लंबाई हम आपको दिखा रहे हैं इस कंड्यूट में, इस प्रकार से स्प्रिंग का एक सिरा आपको डालना है और ये आगे MCB बॉक्स में निकलेगा जो कि दूरी लगभग 35 फुट से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इस 35 फीट से अधिक दूरी पर भी ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए आपको ये देखिए MCB बॉक्स के अंदर आ गया है। अब हम आपको दूरी दिखाते हैं कितनी दूरी है, आप देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए। 35 फीट से अधिक दूरी है ये जो 2-3 रूम छोड़कर आगे वाले रूम के अंदर डायरेक्ट निकला है और इसके अंदर कुल 3 बैंड बीच के अंदर लगे हुए हैं और 1 इंच का ये कंड्यूट पाइप लगा है। तो देखिए वहाँ से हमने स्प्रिंग वायर को डाल रहा हूँ और उस साइड से देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने रूम बाद ये जो है निकला है और ये MCB बॉक्स इस साइड में यहाँ पर लगा है। और यहाँ से हम आपको वायर निकाल कर दिखाते हैं किस प्रकार से आखिर वायर इलेक्ट्रिशियन जो है वायर किस प्रकार से निकालते हैं। इतने लंबे जो कंड्यूट डाल दिए जाते हैं उसमें आसानी से वायर को निकाला जाता है। तो इस पाइप के थ्रू हमने 2 सर्किट वायर निकालने हैं। तो सर्किट वायर किसे कहते हैं इसका भी एक शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ है, वहाँ से उसको भी देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से वायर के PVC को हटाना है और यहाँ पर स्प्रिंग का जो सिरा एक तरफ से रहा है तो इसको अच्छे से टाइट करना है ताकि पाइप के अंदर कहीं से भी खुले ना। यदि खुल जाता है तो हमें वही प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है, दोबारा से इस स्टील वायर को कंड्यूट के अंदर डालना पड़ता है और समय ख़राब होता है। तो पहले ही आप अच्छे से इसको टेप लगाकर अच्छे से टाइट कर दिया जाता है ताकि बीच में कहीं पर भी खुले नहीं, तो दोबारा से हमें वही काम दोबारा नहीं करना पड़े और समय का बचत हो। तो इसलिए आपको पहले ही अच्छे से जहाँ पर लंबी दूरी है वहाँ पर तो खासकर ध्यान रखना है, अच्छे से टेप को लगा देना है और अच्छे से टाइट करना है। अब दूसरी साइड जो सर्किट वायर है वो उसी साइड से आपको जोड़ना चाहिए जिस रूम में आप वायरिंग कर रहे हैं, जिस रूम के सर्किट ला रहे हैं तो उसी रूम में आप सभी डिब्बे रखने वायर के और वहाँ से आपको सर्किट डालना स्टार्ट करना है और MCB बॉक्स की तरफ खींचना है आपको। तो आप स्प्रिंग किधर से भी डाल दें दूसरी साइड आपको निकालना, जिस साइड MCB बॉक्स लगा है उसमें आपको खींचना है। तो इस प्रकार से देखिए एक बंदा जो है MCB बॉक्स की तरफ वायर को खींच रहा है और यहाँ से आपको वायरों को पकड़ कर रखना है, इधर उधर टच नहीं हो। यदि पाइप के ऊपर से घिसेंगे तो ये वायर कट जाएंगे और PVC ख़राब हो जाएगा, वायर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से दूसरी साइड से आपको सावधानी से खींचना है। तो इस प्रकार से वायर पुलिंग किया जाता है इस कंड्यूट के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इलेक्ट्रीशियन बड़ी आसानी के साथ पाइप पहले डाल देता है और वायरिंग जो आपका प्लास्टर वगैरह हो जाता है उसके बाद में करता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।